हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, ये वीडियो आपके करेक्शन को लेकर के रहने वाला है। मान लीजिए कि आपने यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के फॉर्म में कोई डाटा गलत भर दिया है, आपके फॉर्म में त्रुटि हो गई है, तो किन किन चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके करेक्शन का जब पोर्टल ओपन होगा तो वो संशोधित की जा सकती है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है, प्री मैट्रिक यानी कि कक्षा 9-10 के बच्चों की जो करेक्शन करने की डेट है वो 1 फरवरी 2024 से लेकर के 5 फरवरी 2024 है। और जो आपके कहिए कि पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, और ये कैटेगरी बाय कैटेगरी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि अगर प्री मैट्रिक की बात करें तो सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, माइनॉरिटी सभी के लिए एक डेट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के बच्चों की बात करें तो ओबीसी और जनरल और माइनॉरिटी के बच्चों की डेट अलग है, और जो आपके एससी एसटी के बच्चे हैं उनकी डेट अलग है। तो सारी चीज़ों को मैं आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करते रहूँगा, करेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म करते रहूँगा। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, और देखिए, ये आपकी स्कॉलरशिप की राशि का मामला है, आपके पैसे का मामला है, ये नहीं कि हाँ किसी और चीज़ के बारे में कोई कहिए कि अपडेट दी जा रही है, वो अपडेट अगर आपको नहीं मिली तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो इसीलिए आपसे कहा जाता है कि टेलीग्राम पे रहेंगे तो हर एक प्रकार की यानी कि पल पल की अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। पोस्ट मैट्रिक बच्चों की बात करें तो आपका करेक्शन का जो डेट है यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, जो एससी एसटी और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, सॉरी, जो ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी के बच्चे हैं, एससी एसटी की डेट अलग है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा या फिर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो 2 फरवरी 2024 से लेकर के 9 फरवरी 2024 के बीच में आपका करेक्शन होगा। अब देखिए, करेक्शन में क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, जो कि देखिए, जो फ्रेश स्टूडेंट्स होंगे यानी कि पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किए होंगे उनके पास कोई जानकारी नहीं होगी, जो रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे और पिछली बार उन्होंने अगर करेक्शन कराया होगा तो उनको सारी चीज़ें मालूम होगी। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। सबसे पहले आपका स्टेटस रिलीज होगा और स्टेटस में मेंशन हो के आएगा कि आपकी क्या चीज़ें गलत है। मान लीजिए कि आपने गत वर्ष का कहीं का डाटा गलत भर दिया है तो वह आपके स्कॉलरशिप का फॉर्म जब DWO लेवल पर वेरीफाई होता है तो वहाँ पर आपको स्टेटस में दिखाया जाएगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। और क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि आपने गत वर्ष का जो डाटा है उसको गलत भर दिया है, या फिर अगर आपने इनरोलमेंट नंबर गलत भरा है तो वो मेंशन हो जाएगा, या फिर आपने बैंक डिटेल्स गलत भरा है तो वो मेंशन हो जाएगा। तो जब आप करेक्शन करने जाएंगे, जो मैंने आपको डेट बताया पोर्टल ओपन होगा, इस बीच में आपको लाइव वीडियो भी प्रोवाइड करते रहूंगा, ठीक है, तो उस बीच वही आपका ऑप्शन केवल ओपन होगा जो आपका गलत होगा। DWO लेवल वहां से कहिए कि वेरीफाई करके अगर आपका रिजेक्ट कर रहा है कि हाँ आपका बैंक डिटेल्स गलत है, तो जब आप करेक्शन करने जाएंगे, पिछली बार की बात करें, अब चूंकि इस बार हो सकता है कुछ सिस्टम अगर अलग हो जाए, वो तो बहरहाल जब पोर्टल ओपन होगा तब मालूम चलेगा, लेकिन पिछली बार की स्थिति यही थी कि जिन बच्चों का डाटा स्टेटस चेक कर रहे थे और जिन मान लीजिए कि आपका कहिए कि गत वर्ष का डाटा गलत था या फिर बैंक डिटेल्स गलत था या फिर जो भी चीज गलत था, तो उसी हिसाब से पोर्टल जब करेक्शन के लिए जाएंगे तो केवल वही ऑप्शन ओपन होगा, उसी को कहिए कि ओपन करके आपको सही डाटा फिलअप करके और वेरीफाई मतलब सबमिट कर देना होता है। और जैसे ही सबमिट कर देंगे 3 दिन बाद, जैसे आपने पहली बार हार्ड कॉपी वगैरह निकाल के कॉलेज में सबमिट की थी अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसी तरीके से जब आप करेक्शन कराएंगे तब भी आपको हार्ड कॉपी कॉलेज में सबमिट करनी होगी। अगर कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं तो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। सबमिट करेंगे उसके बाद से फिर से वो फॉर्म आपका फॉरवर्ड होगा, DWO लेवल पर जाएगा, आपका वेरीफाई होगा। तो यूपी स्कॉलरशिप की सभी अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर किए रहेंगे, खास करके सभी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई दूं, या फिर उसके हिसाब से जो भी आपका कमेंट हो, ज्यादा बच्चों के डाउट्स होंगे तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।